हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसलेशन। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्यों ज़रूरी है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज को समझ नहीं पाती है। तो न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज को जब वो समझ नहीं पाएगी तो वो किसकी लैंग्वेज ईजिली समझ लेती है, प्रोटीन की लैंग्वेज को वो ईजिली समझ लेती है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन ही ट्रांसलेशन में बनती है, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। आपको अगर याद हो सेंट्रल डोगमा, तो सेंट्रल डोगमा में हमने बताया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उसमें पहले डीएनए से डीएनए बना, फिर ये एमआरएनए बन गया। एमआरएनए क्या बनाया, यहाँ पर ट्रांसलेशन हुई और ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पर पेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होगा, पेप्टाइड चेन बन जाती है और इस पेप्टाइड चेन के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सीक्वेंस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो जीन्स हैं वो क्या बनाएंगे, आगे जाकर किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे या किसी न किसी कैरेक्टर को दिखाएंगे। तो यही कहलाता है पूरा का पूरा प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस इसलिए कहलाता है। डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पेप्टाइड चेन बनी और पेप्टाइड चेन के ऊपर क्या है, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं और वो जो सीक्वेंसेस हैं वो आगे किसे दिखा रहे हैं, वो आगे जो कैरेक्टर्स हैं बॉडी में, जो मतलब उस प्रोटीन, उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको शो कर रहे हैं, उन्हें आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली पहले यहाँ बताया गया है ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड्स का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। अब पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन होता है जब एक जैसी स्मॉल यूनिट्स आपस में आके जुड़ जाती हैं, जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड एक जैसे अमीनो एसिड्स आपस में आके जुड़ जाएंगे, स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइंड हुई, क्या बना, मोनोमर बना। और जब वो मोनोमर आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और पॉलीमराइजेशन इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पेप्टाइड चेन है वो यहाँ पर आकर बन जाएगी, ठीक है। अब पेप्टाइड चेन कैसे बनेगी, पेप्टाइड चेन डिपेंड करती है एमआरएनए पर। जैसा हमारे पास एमआरएनए होगा, ये जो पेप्टाइड चेन तभी तो बनेगी जब एमआरएनए होगा, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर जो कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको रीड करेगा कौन, टीआरएनए, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में वो टीआरएनए आएगा, उन सबको रीड करेगा, तब वहाँ पर क्या होगी, प्रोटीन बन पाएगी, ठीक है। तो ये जो ये जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस पर डिपेंड करती है, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। उनको डिफाइन कौन करेगा, टीआरएनए उनको डिफाइन करेगा और उसके बाद यहाँ पर पेप्टाइड चेन बन जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर अमीनो एसिड्स आर जॉइंटेड बाई ए बॉन्ड विच इज़ नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर जो पेप्टाइड चेन बन रही है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, इसमें क्या होंगे, ये काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होंगे और ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें क्या जुड़े हुए होंगे, बॉन्ड होंगे, इनमें बॉन्ड जुड़े हुए होंगे और इन्हीं बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब जब दो अमीनो एसिड आपस में आके जुड़ रहे हैं, ये जो दो अमीनो एसिड्स आपस में आके जुड़ रहे हैं, ये जो बॉन्ड यहाँ पर लग रहा है, इनको जुड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी इनको चाहिए ही चाहिए। अगर एनर्जी यहाँ नहीं होगी तो अमीनो एसिड आपस में आके नहीं जुड़ पाएंगे और इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो अमीनो एसिड है, सबसे पहले क्या होगा कि जो अमीनो एसिड है उसको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अमीनो एसिड को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी इस अमीनो एसिड को कहाँ से मिलेगी, अमीनो एसिड को ये जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी से मिलेगी, ठीक है। अमीनो एसिड को जो एटीपी जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। और जैसे ही अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि एटीपी ने उसको एनर्जी दे दी अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के बाद वो किससे लिंक होगा, टीआरएनए से लिंक होगा। और जब वो अमीनो एसिड टीआरएनए से लिंक होगा तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पहला स्टेप इसमें आता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड उस टीआरएनए के ऊपर आकर बाइंड हो जाएगा। और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिली, वो एनर्जी उसको एटीपी से मिली, ठीक है। अब
देखो, ये तो हमने आपको थ्योरेटिकली ऊपर समझाया, यहाँ पर अब ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पर ये कैसे अमीनो एसिड एटीपी के साथ ज्वाइंट हुआ होगा, तो वो यहाँ पर हम रिएक्शन के थ्रू बता देते हैं। ये है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को सबसे पहले खुद से वो अपने आप एक्टिवेट होगा, खुद को एक्टिवेट करेगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। तो अमीनो एसिड को एनर्जी कौन देगा, एटीपी देगा। अब ये जो एटीपी है, अमीनो एसिड और एटीपी आपस में आगे कंबाइंड हुए, जुड़े एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर क्या है, किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर एक एंजाइम की नीड है, और उस एंजाइम को क्या कहते हैं, अमीनो एसाइल ट्रांसफ्रेज एंजाइम उसको कहते हैं, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अमीनो एसाइल ट्रांसफ्रेज एंजाइम की नीड है। अब क्योंकि हमें क्या कराना है, अमीनो एसिड को एक्टिव कराना है, तो एक्टिव कराने के लिए हमें एक और एंजाइम की नीड होगी, जिसका नाम क्या है, अमीनो एसाइल ट्रांसफ्रेज एंजाइम की नीड है, जिसकी प्रेजेंस में जो अमीनो एसिड है वो एक्टिव हो जाएगा। और कैसा बन जाएगा, पहले ये जो एंजाइम है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, अमीनो एसिड के साथ एएमपी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, पीपीआई, इसे बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पीपीआई इसमें बन जाएगा। अमीनो एसिड को एनर्जी किसने दी, एटीपी ने दी, और इसको ये अमीनो एसिड को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए, यहाँ पर अमीनो एसिड को एक्टिव होने के लिए किसकी ज़रूरत है, एंजाइम की नीड है। उस एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी की हेल्प से अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और साथ ही साथ इसने क्या बनाया, पीपीआई को बना दिया। अमीनो एसिड एक्टिव हो गया। अब अमीनो एसिड को एक्टिव होने के बाद किसकी ज़रूरत है, अब वो क्या करेगा, लिंक करेगा किसके साथ, टीआरएनए के साथ लिंक होगा। अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ लिंक होगा, और जब वो टीआरएनए के साथ लिंक होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो एंजाइम है वो यहाँ पर अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है, और ये जो एएमपी है वो भी यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, और ये पीपीआई भी है यहाँ पर। तो क्या होगा, पीपीआई तो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ ये यहाँ पर जो अभी जो ये जो एंजाइम है वो यहाँ पर आकर डिटैच हो जाएगा, यानी कि ये अभी तक यहाँ पर ये अटैच है इससे, अमीनो एसिड से ये यहाँ पर अटैच है, एएमपी भी अटैच है, ये यहाँ पर आकर क्या होंगे, डिटैच हो जाएंगे। और डिटैच होने के बाद जो अमीनो एसिड है वो इस एटीपी, ये जो टीआरएनए है, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गया, अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ा, और उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, उसी प्रोसेस को हमने कहा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए हमने इसको कहा, ठीक है, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल दिया। अब देखो अमीनो एसिड, अब ये जब अमीनो एसिड इस टीआरएनए के साथ बाइंड कर गया, फिर क्या होगा कि जो टीआरएनए है वो किसकी तरफ आएगा, एमआरएनए पर आएगा, ठीक है, एमआरएनए के पास आएगा, और तभी तो कह रहे थे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अपने साथ इसको एक्सेप्ट यानी कि अडेप्ट करके लाया अमीनो एसिड को, और टीआरएनए साथ ही साथ क्या लेकर आएगा, अपने इस वाले लूप के ऊपर लाएगा कुछ एंटीकोडोन्स को, कुछ एंटीकोडोन्स को लाएगा। क्यों लाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एमआरएनए के ऊपर जो कोड प्रेजेंट है उसको वो रीड कर सके, ठीक है, तो एंटीकोडोन्स को लेकर आएगा। अब देखो हमने आपको बताया था, आपको जब अमीनो जो ये समझा रहे थे हम, जेनेटिक समझा रहे थे, जो जेनेटिक कोड बता रहे थे, तो उसमें बताया था कि सारे जो रिएक्शन है वो ये जो है, इसमें हमने जो सेलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड बताया था, तो उसमें समझाया था कि ए यू जी ये ड्यूअल फंक्शन करता है, डबल फंक्शन करता है। ए यू जी एक तो इनिशिएटर की तरह वर्क करता है, और दूसरा किसकी तरह काम करता है, ये मेथियोनिन को भी कोड करता है, मेथियोनिन को भी कोड करेगा। तो ये तो हो गई इसकी एक्टिव साइट, या फिर इनिशिएशन साइड हो गई, इनिशिएशन साइड हो जाती है, जहाँ पर टीआरएनए यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, टीआरएनए बाइंड हो गया। अब जैसे ही टीआरएनए, और टीआरएनए अपने साथ किसको एक्सेप्ट करके ला रहा है, अमीनो एसिड को अपने साथ, एक्सेप्टर साइड या फिर बाइंडिंग साइड के ऊपर अमीनो एसिड को अपने साथ लेकर आ रहा है, ठीक है। अब अमीनो एसिड भी यहाँ आ गया, टीआरएनए भी आ गया, और इस यहाँ अपने साथ ही एंटीकोडोन को भी ले आया, जिसने इसको रीड कर लिया। अब फिर क्या होगा कि जैसे ही ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, अब इसको फाइनली क्या करानी पड़ेगी, प्रोटीन सिंथेसिस करानी पड़ेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको प्रोटीन सिंथेसिस करानी पड़ेगी। हमने आपको बताया था जो टी सा, ये वाली जो टी लूप होता है, ये टी लूप क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, जो आरआरएनए होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो राइबोसोम को लेकर आएगा, यानी कि राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराएगा, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराएगा। तो कौन सा, ये जो आपको पता है जो आरआरएनए होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है, उसके अंदर टू सब यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आएगी, छोटी वाली सब यूनिट, यहाँ की 30S सब यूनिट यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगी, और जो 50S सब यूनिट है वो यहाँ ऊपर आ जाएगी, ठीक है,
50 है सब यूनिट इसके ऊपर आ जाएगी और यहीं पर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। यहीं पर क्या होगी, जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन होगा यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और इस और ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इस पे क्या होती हैं, दो साइट होती हैं, दो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, एक को कहते हैं पी साइट और एक होती है ए साइट। दो सीक्वेंसेस या फिर दो ये कह सकते हैं दो सीक्वेंस ही कहें बेटर है, तो दो सीक्वेंसेस होते हैं जिसे बोलते हैं पी साइट और ए साइट। इस पे होंगी या दो साइट बोल सकते हैं, दो साइट इस पर होती हैं पी साइट और ए साइट। अब ये जो पी साइट इसको कहते हैं पेप्टाइडल साइट और जो ए साइट है इसको कहते हैं एक्सेप्टर साइट। ठीक है, आप पहले क्या होगा कि इनिशिएट करानी पड़ेगी हमें प्रोटीन सिंथेसिस कराने से पहले इनिशिएशन कराना होगा, तो यहाँ पर इसका इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन हो गया। अब क्या होगा, इनिशिएशन होने के बाद ये जो आरएनए है वो शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, ये जो आरआरएनए है यानी कि राइबोसोम जो है ये शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा आगे की तरफ। तो जो यहाँ पर जो पी साइट, ये जो ए साइट दिख रही है, सॉरी यहाँ ए साइट पर आ जाएगी पी साइट और जो ए साइट है वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो आगे वाला जो कोडोन है, यहाँ जो आगे वाला कोडोन है उसको रीड करेगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फिर दूसरा टीआरएनए आएगा यहाँ पर किसी दूसरे अमीनो एसिड को बाइंड करके। और यहाँ पर ये जो आरएनए है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये जो आरआरएनए है यानी कि राइबोसोम है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है और दूसरा जो टीआरएनए है वो यहाँ पर आ गया है। अब मान लो उसके पास जो कोडोन है वो कोई भी कोडोन वो अपने साथ एंटी कोडोन को वो अपने साथ बाइंड करके लाएगा। यहाँ पर भी कुछ आरआरएनए की ये जो एमआरएनए है सॉरी इस एमआरएनए के ऊपर भी कुछ कोडोन से उनको वो रीड करेगा और इस तरह से जो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते चले जाएंगे और यानी कि इन कोडोन्स को रीड कर करके अमीनो एसिड इसके ऊपर ऐसे बाइंड होते चले जाएंगे और क्या बन जाएगी फाइनली एक जो पेप्टाइड चेन है वो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी। और पेप्टाइड चेन के ऊपर क्या होंगे, कुछ जीन्स होंगे जो कि किसी भी प्रोटीन के जो मतलब किसी भी उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको वो दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो अमीनो एसिड्स की क्या बन जाएगी, पेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये जो टीआरएनए है ये अपने साथ अमीनो एसिड को बाइंड करके ला रहा होगा, दूसरी साइड पर कुछ एंटी कोडोन्स को लेकर आ रहा होगा और जो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो इस वाले कोडोन से स्टार्ट होगा क्योंकि AUG ये इनिशिएटर कोडोन है। इसके बाद इनिशिएशन तो हो गया, फिर ये जो mRNA, ये जो RRNA है यानी कि जो राइबोसोमल RNA वो शिफ्ट करेगा और बारी बारी से जो tRNA है वो अपने साथ अमीनो एसिड को बाइंड करके लाता रहेगा और ऐसे यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो अमीनो एसिड की जो चेन है वो बन जाएगी, जिसे कहेंगे पेप्टाइडल चेन कहेंगे। और पेप्टाइडल चेन किस में बदल जाएगी, प्रोटीन में बदल जाएगी और इस तरह से प्रोटीन बनती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बताया इसके बारे में कि किस तरीके से ये पेप्टाइडल चेन बन रही है, इसके बारे में बताया। अब ये जो है ये इसमें क्या होते हैं कि ये यहाँ पर क्या है एमआरएनए पर ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। ठीक है, तो 5' एंड से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस चल रही है तो वहाँ पर कुछ ऐसे कोडोन्स होते हैं जो किसी को भी कोड नहीं करते हैं, कुछ ऐसे कोडोन्स होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और जब वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे होंगे तो अमीनो एसिड वहाँ आकर नहीं बाइंड होगा और क्या होगा कि जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि जो 5' एंड है उससे पहले क्या होते हैं, UTR होते हैं और स्टॉप कोडोन के बाद क्या होंगे, UTR होंगे। UTR क्या होते हैं, UTR को कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन, इनको कहा जाता है UTR को क्या कहा जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन इनको कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं करते हैं तो इसलिए किसी भी जगह को ये ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या वो कहा जाएगा, अनट्रांसलेटेड रीज़न कहा जाएगा। ये ज़रूरी भी होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिक्वायर्स फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन। ठीक है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो एफिशिएंटली हो पाए इसके लिए इनकी ज़रूरत होती है, जो UTR होते हैं इनकी ज़रूरत क्यों होती है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो एफिशिएंटली हो पाए इसके लिए इन ये जो UTR हैं इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और स्टॉप कोडोन आएंगे वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देंगे और ट्रांसलेशन जो स्टॉप कोडोन है उसके बाद क्या होंगे, UTR होंगे और 5' एंड से पहले यहाँ पर UTR होंगे। लेकिन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वो यहीं से स्टार्ट होगी, ये क्योंकि ये जो कोडोन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या, ये कौन सा कोडोन है, ये इनिशिएटर कोडोन है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे इस पर 30S यूनिट होगी, ऊपर 50S यूनिट होगी। तो ये था ट्रांसलेशन प्रोसेस और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
क्लियर हुआ होगा। और अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।